हे गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्केटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग का प्रोग्राम रॉस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत आसानी से समझे कॉन्केटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग। मैंने नोड वन से मान लो बना एक प्रोग्राम बनाया, नोड वन में मैंने जो प्रोग्राम बनाया और उस वो नोड वन का प्रोग्राम क्या करेगा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे नोड वन में मैंने दिया कुछ भी नेम, लाइक मान लीजिए मैंने नोड वन में दिया राहुल और दूसरे नोड टू में दिया जो गुप्ता, नोट टू में मेरा गया गुप्ता, तो तीसरे पर नोट जो बताएगा क्या राहुल गुप्ता। ये क्या है? कॉन्केटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग। तो इसका आज हम प्रोग्राम बनाएंगे, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, सबसे पहले लाइन का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इन्वायरमेंट सेटअप ऑफ पाइथन 3 होता है। तो क्या लिखते हैं उसके लिए? हैज डज नॉट इक्वल टू स्लैश यूएसआर स्लैश बिन स्लैश पाइथन 3। अब इम्पोर्ट रॉसपाई, ये रॉसपाई पैकेज को इम्पोर्ट करता है। अब तीसरी लाइन का मतलब है फ्रॉम stdmscs.msc। स्टैंडर्ड मैसेज की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे डेटा टाइप डले हुए हैं, जैसे int32, int8, int64, float32, float8, float16, float32, multi-array, int32, multi-array, बहुत सारे डले हुए हैं। उनमें से हमें जो ज़रूरत थी स्ट्रिंग को, मैं स्ट्रिंग को इंपोर्ट करूँगा। जब स्ट्रिंग को इंपोर्ट कर लिया, अब मुझे उसको यूज करने के लिए उसको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, और मैंने फंक्शन बना के बार बार मुझे यूज ना करना पड़े, उसलिए मैं उसको वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, अब यह है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। मैंने def का मतलब होता है डिफाइन ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे मैंने रखा ये फंक्शन का नेम। यहाँ पे कोई मैंने पैरामीटर नहीं है, तो एम्प्टी फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन को सिर्फ रीड की जाती है, और बाद में जब कॉल होगा तो वो फंक्शन डेफिनेशन काम करती है। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन को डिफाइन किया 4 लाइन से 12 लाइन तक। इसके बाद मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया, तो ये काम करेगा। अब जब rospy.initNode, rospy क्या एक पैकेज है, initNode एक लाइब्रेरी है। अब ये क्या है, इनिट नोड क्या करेगी, हमें नोड को इनिशियलाइज करेगी, क्योंकि नोड को इनिशियलाइज करना पड़ेगा जब भी हम कोई भी डेटा को पब्लिश करना चाहते हैं। तो नोड का नेम मैंने रखा है नोड 16, एनोनिमस इक्वल टू 2, यानी वो नोड पूरी सिस्टम में यूनिक बनाने के लिए होती है। अब rospy.publisher, rospy मतलब पैकेज है, डॉट पब्लिशर एक लाइब्रेरी है। अब जब डेटा को पब्लिश करते तो कहाँ पर करते थे, टॉपिक में, तो उसका पहला नेम rospy.publisher में पहला पैरामीटर होगा टॉपिक नेम। दूसरा, किस टाइप का डेटा पब्लिश करना चाहते हैं, स्ट्रिंग टाइप का डेटा पब्लिश करना चाहते हैं, इसलिए स्ट्रिंग। और डेटा बहुत ज़्यादा जा सकता है, तो कुछ डेटा को होल्ड में रखना पड़ सकता है, इसलिए क्यू साइज इक्वल टू 10 देते हैं। अब ये चीज़ मुझे बार बार ना करना पड़े, तो उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक पब्लिशर मैंने जो भेजा, तो एक टॉपिक बन चुका है, उसमें डेटा जा सकता है। बट ये नहीं, अभी मेरा डेटा नहीं रहा है, सिर्फ टॉपिक 10 एक टॉपिक बना हुआ है, वहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा आना अलाउ है, बट अभी तैयार नहीं है डेटा। तो डेटा आने के लिए क्या करते हैं, पब डॉट पब्लिश मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि मेरी अवेलेबल है, और वहाँ पे डॉट पब्लिश लगाते उस में कुछ डेटा डालूंगा। अब मैंने क्या है, इस वैल्यू स्ट्रिंग नाम पे, मैंने बताया तो फंक्शन बनाना होता है स्ट्रिंग को, फिर इसके बाद वैल्यू में स्टोर किया, वैल्यू डॉट डेटा मैंने जो फील्ड होती है, फिर इनपुट फंक्शन मैंने लिया, यानी वैल्यू डॉट डेटा में, अब जो स्ट्रिंग नाम का वैल्यू है मैंने बनाया था, फंक्शन लाया डॉट डेटा में, उसकी सहायता सिंपल समझो तो वहाँ पे इनपुट जो यूजर बाय वैल्यू देगा वो वैल्यू जाएगी। अब वैल्यू में वो वैल्यू गई, वो मैंने वैल्यू पब डॉट पब्लिश से पब्लिश करा दी। अब rospy.rate ये एक बार में उतने ही मैसेज दिखाएगा, और उसके बाद rate.slip से वो चीज़ स्लिप हो जाएगी। तो ये है कॉन्केटिनेशन 1 का मैंने प्रोग्राम बनाया। सेम मैंने कॉन्केटिनेशन 2 का प्रोग्राम बनाया, बस उसमें नोड नेम चेंज की है, और क्या मैंने चाहिए टॉपिक नेम चेंज किया, और सेम टू सेम करा है। कॉन्केटिनेशन 3 में क्या किया, बस मैंने कुछ चीज़ें नहीं दी हैं, पहली 3 लाइन का मतलब वही है। str1 मतलब ये है कि देखो, 2 टाइप के होते हैं डेटा का, एक होता है लोकल, लोकल जब हम फंक्शन के अंदर बनाते हैं या इफ कंडीशन के अंदर, वाइल के अंदर, तो वहाँ पे जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो लोकल होते हैं, सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज किए जा सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर str1 बनाया, ये ग्लोबल है, ये कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है, ये कॉल बैक फंक्शन भी यूज कर सकता है, कॉल बैक 1 भी यूज कर सकता है, फंक्शन में हमको मैंने जो फंक्शन बनाया वो भी यूज कर सकता है, str2 भी, इसी तरह से कोई भी यूज कर सकता है। बट यदि मैं यहाँ पर str1 बना रहा था या str3 बना रहा था, तो सिर्फ कॉल बैक, यही यहाँ पर मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया str3, तो ये सिर्फ कॉल बैक फंक्शन ही यूज कर सकता है, इसके अलावा कोई फंक्शन यूज नहीं कर सकता था। अब मैंने इसीलिए इस कारण से यहाँ पर ग्लोबल str1 लिखा, कि जो भी मैं यहाँ पर डेटा को क्या करूँगा, यहाँ पर डेटा को str1 में डेटा डालूंगा, वो ग्लोबल हो जाए, अदरवाइज नहीं करता, तो सिर्फ str1 का जो डेटा बनाता डालता, तो यहाँ पर str1 सिर्फ कॉल बैक फंक्शन के अंदर ही यूज होता है। ठीक है, तो मैंने ये फंक्शन की डेफिनेशन है, तो मैंने सबसे पहले 24 लाइन से कॉल किया फंक्शन को, तो ये फंक्शन कॉल हुआ। अब मैंने बताया था नोड को इनिशियलाइज करना पड़ता कभी भी डेटा पब्लिश करने से पहले, ये सब्सक्राइब करने के लिए मैंने rospy.initNode से डेटा को इनिशियलाइज किया, नोड नेम बताया और एनोनिमस
इक्वल टू टू, अब नोड नेम है 18, अब रॉस बाई डॉट सब्सक्राइबर से मैंने डेटा क्या किस टॉपिक पे पब्लिश किया था, टॉपिक 10 पे पब्लिश किया था, टॉपिक 10 से डेटा सब्सक्राइब किया, किस टाइप का डेटा पब्लिश किया था, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का डेटा मैंने सब्सक्राइब किया। अब जो डेटा आया था वो कॉल बैक फंक्शन में भेजा और कॉल बैक फंक्शन में गया, डेटा कुछ था तो पैरामीटर इसमें आया MSG। अब है जो मैंने msg.data मैंने वहाँ पर फील्ड क्या बोली थी, फील्ड थी डेटा, तो msg.data से उस मैंने डेटा को एक्सेस किया और उसको मैंने str1 पे स्टोर करा दिया। जो str1 को मैं पहले ही बता चुका, इसको ग्लोबल बना देना, अब जो वैल्यू आएगी ग्लोबली है, कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है। इसी तरह से मैंने कॉल बैक यहाँ पे आया, रॉस्पाइट और सब्सक्राइबर, टॉपिक 11 पे कॉन्केटिनेशन 2 वाले मैंने किया था, दूसरी स्ट्रिंग का डेटा और स्ट्रिंग टाइप का डेटा था उसको मैंने किया था, अब कॉल बैक फंक्शन से, तो ग्लोबल str2 बन गया। अब ये दोनों को जो वैल्यू आई, इन दोनों को ही मैंने यहाँ पे इस फंक्शन में जो वैल्यू है एक्चुअली उसको ग्लोबली बनाई, तो इस फंक्शन में यूज भी कर सकूँ। तो वाइल नॉट लॉस बाई शट डाउन, और यहाँ पे दोनों मैंने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, आपस में ऐड करा दिया, और इसके बाद उसको स्ट्रिंग को मैंने प्रिंट करा दिया। बस इसके बाद लॉस बाई डॉट स्प्रिंट क्या है, ये बात चीज़ को स्क्रीन को जब तक रोक के रखेगी जब तक कोई बाहर से कमांड नहीं मिल जाता, ये अपने आप ऑटोमेटिक काम होती रहेगी, रिटर्न होने के बाद भी ये अपने आप को काम कराता रहेगा। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल पे। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था कि रॉ स्कोर ओपन करके रखना है, तो आप रॉ स्कोर ओपन कर लेंगे। इसके बाद मैं 3 स्ट्रिंग को आपको करके दिखाऊंगा, ये मेरी 3 स्ट्रिंग है ऑलरेडी चल रही है, मैं इसको बंद करूंगा, यहाँ पे इसको बंद करा, इसको मैं इसमें भी बंद करूंगा और आपको फिर से करके दिखाऊंगा। मैंने पहले CD राहुल वर्क स्पेस करके रखा हूँ, तो CD राहुल वर्क स्पेस में मतलब आपको बता चुका हूँ कि ये मेरा क्या था, कैटकिन पैकेज था, और इसके बाद में सोर्स लेवल करना होता है, हर स्क्रीन में सोर्स लेवल सेटअप भी किया है, और इसके बाद मैंने अब अपने रॉस प्रोग्राम को रन कराऊंगा, तो मेरा रॉस प्रोग्राम को रन कराया, रॉस रन पैकेज का नाम इसका पैक, और ये मेरा रन होने लगा। इसी तरह से मैंने इसमें भी सेटअप करके रखा है, तो रॉस रन पैकेज कॉन्केटिनेशन 2, और यहाँ पे भी मैं यही काम करूंगा, रॉस रन पैकेज कॉन्केटिनेशन, पैक का नाम है, पैकेज का नाम है पैक और कॉन्केटिनेशन 3। अब देख सकते हैं मेरी स्ट्रिंग हो आ रही है, यहाँ पर कुछ नहीं आई है, एम्प्टी आ रहा है क्योंकि हमने अभी कुछ दिया नहीं है। अब मैं पहली स्ट्रिंग दूंगा राहुल, और मैंने राहुल दे दिया, तो राहुल आने लगा क्योंकि अभी मैंने दूसरी स्ट्रिंग दी है, अब गुप्ता क्योंकि एम्प्टी दूसरी थी, अब राहुल गुप्ता आने लगा। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा राहुल गुप्ता किस तरह से आता जा रहा है, तो आपको ये समझ में आ गया किस वजह से कैसे काम हो रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।